आखिरी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मैरिज प्रपोजल। मतलब भले ही मैरिज प्रपोजल देखने में आपको नॉर्मल लग रहा है लेकिन यह एक कॉमेडी ड्रामा है जो कि इसमें तीन पात्र हैं, चुबको, लोमो और नतालिया। आखिर नतालिया कौन है भाई? तो नतालिया नामक एक लड़की है जो चुबको की बेटी होती है और लोमो नामक लड़का जो चुबको का फ्रेंड अर्थात उसका पड़ोसी भी रहता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैप्टर के द एंड में आपको पढ़ने और सुनने को मिलेगा कि लोमो नामक व्यक्ति नतालिया को पटा लिया। या लड़की भी अजीब होती है, लड़की के अंदर भी एक तरीके का मैग्नेटिक फोर्स पाया जाता है जिसको कहते हैं चुंबक बल। ये अजीब तरीके से होता है, जिस तरीके से चुंबक लोहे के या लोहे के बने वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, लड़की के अंदर भी कुछ इसी तरीके का चुंबक बल पाया जाता है जो लड़के किसी लड़के को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और काफ़ी यूजफुल वीडियो में जो कि आपके क्लास 12 इंग्लिश का सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का सबसे अंतिम चैप्टर बोले तो प्रो सेक्शन का मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर को पढ़कर प्रो सेक्शन की पूरा का पूरा लेसन समाप्त करने वाले हैं। मतलब कि इससे पहले कि हम पूरा का पूरा चैप्टर वाइज हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको देखना है तो उस प्लेलिस्ट को ऑलरेडी जो है जा करके खोल कर देखिए, उसमें पूरा 1 से लेकर 10 तक वीडियो मिल जाएगा और ये भी वीडियो आपको अपलोडेड देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल 11 चैप्टर 11 दिन में समाप्त हो चुके हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है ना, बस इसका रिविज़न पर लग जाइए। तो क्यों ना इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार और एनर्जेटिक बनाया जाए ताकि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने में कोई बोर फीलिंग नहीं हो। तो फाइनली आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ए मैरिज प्रपोजल। यह एक कॉमेडी है, ड्रामा है, ठीक है ना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ए मैरिज प्रपोजल नामक जो चैप्टर है वो कॉमेडी है कि स्पीच है कि ऐसे है, ठीक है, तो आपको चुनना होगा यह एक कॉमेडी है, कॉमेडी दिया रहेगा या ड्रामा दिया रहेगा उस पर आप टिक लगा देंगे। उसके राइटर का भी नाम पूछ सकता है, राइटर के डेट ऑफ बर्थ या उसकी मृत्यु की भी डेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बन जाने वाला है मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है ना। और समरी जो 5 नंबर का 100 से 120 वर्ड में लिखने को कहता है ना, वो भी मैं बहुत ही अच्छे ढंग से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पहली बार इतनी आसान भाषा में, आपको यकीन नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं यकीन होगा, क्योंकि देखिए होता क्या ना कि जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना वो दूसरों तक शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कंटेंट बढ़िया दे रहे हैं। मतलब हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे और कभी किसी टीचर से पढ़ा करते थे, जब कोई बढ़िया टीचर मिल जाता था ना तो हम भी पढ़ करके दूसरों को शेयर नहीं करते थे। तो मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अच्छे ढंग की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद वो दूसरों को शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इतना आसान भाषा में वो समरी लिखना सीख जाएगा। बट आपके अंदर ये चलनशीलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो बचपना थी, कोई समझाने वाला नहीं था, तो मैं वीडियो देख करके मैं अपने आप रख लेता था, सोचता था कि सर को बाद में प्रमोट करेंगे, ये वीडियो को बाद में शेयर करेंगे, जब मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, मेरा रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा तो मैं शेयर करूंगा और बताऊंगा, दूसरों को कन्विंस करूंगा, मैं भी कभी बताने वाला हो जाऊंगा। लेकिन इस तरीके के सोच नहीं रखना है। मैं यही कहूंगा आपसे, अगर आप हमको अच्छा गुरु मानते हैं, अच्छा शिक्षक मानते हैं, तो कृपया करके जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि देखिए मैं इतना सरल और आसान भाषा में समरी तैयार करता हूँ ना बड़ी मेहनत से, भले ही वीडियो मेरा थोड़ा लेट आता है बट सबसे ज़बरदस्त आता है, इतना आसान। कभी आप मिलाइएगा कि जो हमारे और आपके भाषा में जो इंग्लिश बोल चाल होता है ना कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, वहीं दिस डैट एम इज आर और हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हमने पूरा समरी को यहाँ पर अभी आज के इस वीडियो में तैयार किया हूँ। इसी तरीके से पिछले 10 चैप्टर का भी मैं इतनी ही आसान भाषा में करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है ना वो 10 वीडियो देख लीजिए, आपको डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगा कि यार इतना आसान समरी, मतलब बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो लिहाजा आपसे यही अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, वो भी अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिएगा ये चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं एक विवाह प्रस्ताव। देखिए इस चैप्टर का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो भी बातें होंगी ना ये प्रेम प्रसंग से मिली जुली बातें होगी, मतलब प्रेम प्रसंग से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है ना। अब ये क्या है पूछेगा कि ये चैप्टर क्या है, तो ये एक कॉमेडी है, मतलब बोले तो एक ड्रामा है। और इस ड्रामा को, ठीक है ना, किसने लिखा है, भाई राइटर का नाम है एंटोन चिको, यह एक मेल है, मतलब मेल राइटर है। देखिए इन लोगों का नाम भी कुछ अजीब तरीके से आता है, मतलब मेल फीमेल समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ एंटोन चिको इज अ मेल राइटर, ठीक है ना। इनकी अगर जन्म की बात कर तो 29 जनवरी 1860 को हुआ था,
29 जनवरी 1860। हालांकि आप हिस्ट्री का एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हैं, मैं भी अगर पूछ दे तो बता दीजिएगा, नहीं पूछता नहीं है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 जुलाई 1904 को उनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं समरी की। तो जैसे मैं फिर से एक बात समझाना चाहूँ कि समरी जितना आसान करके मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर इतना आसान समरी आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ज्ञापन एकेडमी पर पढ़ने वाले लड़का, ठीक है ना, क्लास 12 में जितना भी बिहार बोर्ड से पढ़ाई, मतलब मान के चले कि एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड रिलेटेड, जो भी बिहार बोर्ड से जो भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th 12th का, उनका रिजल्ट हुआ है, जो विषय ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ करके आप पूछिएगा, वो ज्ञापन एकेडमी से ही पढ़ा है। डायरेक्ट वो बताएगा कि इंग्लिश कहाँ पढ़ें, तो ज्ञापन एकेडमी से पढ़ा, क्योंकि उसका समरी डायरेक्ट दिमाग में वो चलता है पूरा पूरा लेसन का। सुनेगा समरी, देखिए कितना आसान है। ए मैरिज प्रपोजल एक विवाह प्रस्ताव लिखने का। देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मतलब घबराइए नहीं, मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके चलना है। समरी लिखने को सबको ही बता सकता है, आई नो वेरी वेल, आप अपने से भी लिखने को हो सकता है कि सीख जाएंगे, ठीक है ना, कुछ अलग तरीका से, बट जो मैं बता रहा हूँ ना ये लिखने का तरीका आपको 5 में 5 दिला करके रहेगा। 100 से 120 वर्ड में लिखना होता है, और 5 नंबर तभी मिलता है जब आपको लिखने का सही तरीका पता हो। क्या सही तरीका क्या, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा जाता है, और यह चैप्टर क्या है, स्पीच है कि ऐसे है कि कॉमेडी है कि ड्रामा है, मतलब क्या है, मतलब तो यह एक कॉमेडी है मतलब ड्रामा है। विच वॉज रिटन, अब तीसरे नंबर पर किसका नाम लिखा जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो इस चैप्टर को लिखा है, ठीक है ना, यानी मुद्रक का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर एंटोन चिकोव क्या है, इस चैप्टर के राइटर है। तो यहाँ पर देखिए ए मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी, देखिए एक नंबर में चैप्टर का नाम, दो नंबर में क्या है, ये चैप्टर क्या है, माने ऐसे है कि स्पीच है कि कॉमेडी है, तो भाई ये एक कॉमेडी है। और तीसरे नंबर में लिखा जाता है क्या चीज़ बाबू, ध्यान में रखिएगा, तीसरे नंबर में लिखा जाता है कि इस चैप्टर को किसने लिखा, ठीक है ना, इस कॉमेडी ऐसे स्पीच वगैरह जो भी है ये चैप्टर, उसको लिखा कौन, ठीक है ना। और तब उसके बाद से जो भी इस कॉमेडी में, इस स्पीच में, इस ऐसे में जो भी बातें हैं उस बात को लाइन बाय लाइन से लिखा जाता है, यही है तरीका, ऑलवेज कीप इन माइंड। देखिएगा इन दिस कॉमेडी, इस नाटक में देयर आर 3 कैरेक्टर्स, 3 पात्र हैं, नेमली जिनका नाम है चुबको, लोमो एंड नतालिया। चुबको, लोमो एंड नतालिया, इस बात को थोड़ा सा जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चुबको नामक एक व्यक्ति है, लोमो नामक एक व्यक्ति है, और नतालिया नामक एक लड़की है, ठीक है ना। अब सुनिएगा यहाँ पर, द डॉटर ऑफ चुबको इज नतालिया, यानी जो चुबको की बेटी होती है वो नतालिया होती है, मतलब द डॉटर ऑफ चुबको यानी चुबको की बेटी नतालिया है, ठीक है ना। एंड लोमो इज देयर नाइबर, और लोमो क्या रहता है, लोमो इस चुबको का पड़ोसी रहता है। देख रहे हैं ना कितना मजेदार तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, और कितना मजेदार तरीके से, काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, प्रेम प्रसंग से भरा हुआ है। हम सभी जो है ना, मतलब क्या है, आजकल इसी माहौल से सबसे ज्यादा ग्रसित भी हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में किसी ना किसी से प्यार हो ही जाता है, बट इस भावनाओं में ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये प्रेम प्रसंग है ना, इंसान को कई स्तर नीचे लेकर के चला जाता है। इसलिए ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए ना, तो ये प्रेम प्रसंग की दुनिया से थोड़ा अलग हटना होगा, ये मोह माया की नगरी को छोड़ना होगा, और अपने आप को एक ऐसे जगह पर स्टैंड करना होगा जिसके बाद आपको पूरी लोग जो है ना आपको मतलब सैल्यूट करें, समझ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए द डॉटर ऑफ चुबको इज क्या है, नतालिया, यानी कि चुबको की बेटी कौन है, नतालिया। एंड और लोमो इज देयर नाइबर, एकदम कहानी को दिमाग में फिट कीजिएगा प्रत्येक लाइन को। और लोमो क्या रहता है, चुबको का पड़ोसी रहता है, मतलब कुल मिला जाएगा चुबको कहिए चाहे नतालिया कहिए, इसी का पड़ोसी रहता है, मतलब बगल का घर का रहता है, ठीक है ना। लोमो वांटेड टू मैरी विथ नतालिया, अब देखिए इसके मन में क्या बात है, देख रहे हैं ना, हम लोग भी कभी कहीं जाते हैं तो लड़की को खूबसूरत देखते हैं ना, तो मन करता है कि यार इस लड़की से मेरी शादी हो जाती तो बेहतर होता। एनीवे यहाँ पर देखिएगा, लोमो वांटेड टू मैरी विथ नतालिया, देखिएगा अंत में इस चैप्टर में नतालिया को पटा लिया, इसीलिए मैंने ये बात बोला, सुनिएगा। लोमो वांटेड टू मैरी विथ नतालिया, अरे पता है ये जो लोमो नामक व्यक्ति था ना, ये नतालिया से शादी करना चाहता था, ठीक है ना। हु इज द डॉटर ऑफ चुबको, जो नतालिया क्या है,
डॉटर ऑफ चिपको, जो चिपको की बेटी रहती है, सुनिएगा ध्यान से इस बात को, बट लेकिन लोमो डिड नॉट हैव द कॉरेज, लोमो के पास माने औकात नहीं था, मतलब औकात क्या, मतलब यार कहने का मतलब कि उसके अंदर ये जज्बा नहीं थी, वो कहीं ना कहीं से मतलब नहीं, जज्बा तो थी, पॉइंट शुड बी नोटेड, जज्बा अलग चीज हो गया, मतलब उसके अंदर हिम्मत, राइट, कॉरेज मतलब हिम्मत, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, है, बट लोमो डिड नॉट हैव द कॉरेज, है, लोमो के पास कॉरेज नहीं था, हिम्मत नहीं था, ठीक है ना, डेयरनेस नहीं थी, हिम्मत नहीं थी टू प्रपोज मैरिज टू नतालिया, ताकि नतालिया को मैरिज के लिए प्रपोज कर सके, समझिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड, बट लोमो डिड नॉट हैव द कॉरेज, लोमो के पास कॉरेज नहीं था, हिम्मत नहीं था टू प्रपोज, प्रपोज करने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए मैरिज, क्या चीज, टू प्रपोज मैरिज, यानी कि शादी का प्रस्ताव रखने के लिए, किससे, नतालिया से, आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है ना, अगर आसान लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, ठीक है, देयर इज अ ग्रेट पॉइंट ऑफ हैप्पी डेट, एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि चिपको ऑल्सो वॉन्टेड टू मैरी हिज डॉटर टू लोमो इन वार्डली, अच्छा इन वार्डली का प्रयोग मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से ज्ञापन, इसी ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं बताया हूँ, देखिए ये जो छोटा छोटा एक एक मिनट का जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होता है, वेदर यू बिलीव और नॉट, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड, आई नो वेरी वेल डैट की योर इंग्लिश इज वेरी वीक, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव वन मिनट ऑन माई शॉर्ट्स वीडियो और वॉच डेली बाई डेली, देन आफ्टर योर इंग्लिश विल बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, आपका इंग्लिश तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप हमें एक मिनट डेली एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से देंगे ना, देन आफ्टर योर इंग्लिश विल बी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, नो प्रॉब्लम, आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग, मैं थोड़ा बोल दिया भावनाओं में आकर के, बट ये मत सोचिएगा कि मैं आपके बीच जो है ना अपने इंग्लिश का दिखावा कर रहा हूँ, बट देर इज नथिंग एसेंस, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड माई एट ईच एंड एवरी पॉइंट, इट इज बिकॉज यू आर गोइंग टू, ठीक है ना, टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन, ठीक है ना, आप मान के चलिए कि आफ्टर 12, आफ्टर 12 आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो ग्रेजुएशन में कम से कम मान के चलिए अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश नहीं आएगी, सामने वाला बोलकर निकल जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा, सो पॉइंट शुड बी नोटेड, मैं ये कहना चाहता था कि इनवर्डली का प्रयोग बताया था मन ही मन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मन ही मन, तो देयर इज अ ग्रेट पॉइंट ऑफ हैप्पी, एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है डैट कि चिपको ऑल्सो वॉन्टेड टू मैरी, चिपको भी मतलब शादी करना चाहता था, हिज डॉटर अपने बेटी को, अपने बेटी को शादी करना चाहता था, किससे, लोमो से, इन वार्डली मन ही मन वो सोच रहा था कि लोमो से मेरी बेटी का शादी हो जाता तो बेहतर होता, देखिए हर बाप किसी खूबसूरत लड़का को देखता है या पूंजीपति वाला लड़का को देखता है ना, तो मतलब क्या बताएं, हर माँ बाप को, मतलब ये गलत हैबिट नहीं है, मैं उनको शिकायत नहीं कर रहा हूँ, उनकी नुमाइश नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनकी एक मेरिट बता रहा हूँ, हर माँ बाप को ना अपने बेटी को देख करके, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसको देख करके उसको थोड़ी सी चिंता होती है, फिक्र होती है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि एक चिंता का विषय बनता है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, भले पढ़ाई कर रही है नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का मिल जाए, पैसा वाला मिल जाए, तो मतलब मेरी बेटी का शादी सेट हो जाता, लेकिन लोमो नामक जो व्यक्ति था ना उसका पड़ोसी रहता है, और वो लोमो ऑलरेडी पैसे वाला होता है, बहुत कामयाब होता है, बहुत बड़ा पूंजीपति रहता है, चिपको का पड़ोसी रहता है, इसलिए चिपको भी चाहता था मन ही मन कि मेरी बेटी का शादी लोमो से हो जाए। अब यहां पर देखिए कहानी आगे बात बढ़ती है, ठीक है ना, बट चिपको कुड नॉट हैव फाइंड एनी वे टू कन्विंस हिज डॉटर, सुनिएगा, लेकिन चिपको के पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, बट चिपको कुड नॉट फाइंड एनी वे, चिपको को कोई रास्ता नहीं सूझा, कुड नॉट फाइंड एनी वे, कोई रास्ता ही नहीं सूझा, कोई आइडिया ही नहीं मिला टू कन्विंस हिज डॉटर, कि वो अपने बेटी को कन्विंस कर पाए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये समरी कितना मज़ेदार है, आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे कैसे जल्दी जल्दी बोल कर निकल गए, अरे मेरे भाई अब वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके सुन लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सुनिएगा, बट चिपको कुड नॉट फाइंड एनी वे, चिपको को कोई रास्ता ही नहीं सूझा टू कन्विंस हिज डॉटर, ताकि वो अपने बेटी को कन्विंस कर सके। वन डे, एक दिन की बात है, अब देखिए क्या बात है भाई, सुनिए, लोमो वेंट टू हिज फ्रेंड चिपको's हाउस, लोमो जो है ना, लोमो ऑलरेडी वो फ्रेंड रहता है ना चिपको का, तो लोमो जो है ना वेंट टू हिज फ्रेंड चिपको's हाउस, लोमो एक दिन अपना फ्रेंड चिपको के घर जाता है,
एंड और प्रपोज टू मैरी विथ नतालिया, किस चीज़ के लिए जाता है भाई? नतालिया से शादी करने के लिए, सुनिएगा, नतालिया से शादी करने के लिए, शादी का प्रस्ताव देने के लिए उसके घर जाता है, लोमो च्यूबको के घर, नतालिया से शादी का प्रस्ताव के लिए उसके घर जाता है। च्यूबको बिकम्स हैप्पी, च्यूबको भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो पहले से मन ही मन सोच ही रहा था कि मतलब लोमो से मेरी बेटी का शादी हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो च्यूबको बिकम्स हैप्पी विथ दिस मैरिज प्रपोजल, च्यूबको जो है ना खुश हो जाता है इस शादी के प्रस्ताव को सुन करके। तो अब आगे देखिए, यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीन शॉट, और इसके आगे देखिए कि आगे का क्या ड्रामा, क्या नाटक चल रहा है। तो चलिए बिना देर किया हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को भी बहुत ही इत्मीनान से समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, बाई चांस, बाई चांस मतलब होता है कि जैसे ही मौका मिला, ठीक है ना, नतालिया कम्स इनटू द कन्वर्सेशन, यानी मौके पर ही, ठीक है ना, मौके पर ही, चूंकि देखिए अगला सेंटेंस पढ़ने के बाद पिछला सेंटेंस का मतलब निकल जाता है, इंग्लिश में तो यही मतलब है, सुनिएगा, बाई चांस नतालिया कम्स इनटू द कन्वर्सेशन, पता है लोमो और च्यूबको के बीच जैसे ही बात चल रही थी और मैरिज प्रपोजल का प्रस्ताव, मैंने बोले तो मैरिज का प्रस्ताव लेकर के जो च्यूबको के पास लोमो गया था, ठीक है ना, उस समय बात चल ही रही थी, तब तक बाई चांस मौके पर नतालिया कम्स इनटू द कन्वर्सेशन, उसी वार्तालाप के बीच वो आ गई। कौन आ गई भाई? नतालिया। सुनिएगा ध्यान से, अब नतालिया को देखने के बाद जो इसका ईमान डोला, अब क्या बताएं, वो तो भले ही प्रेम प्रसंग में मतलब जो है ना मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहा और भावनाओं में बह रहा था, ठीक है ना, लेकिन ये बात अभी चल ही रही थी एंड ए क्वारल बिगिंस टू स्टार्ट, मतलब पता है नतालिया और लोमो के बीच झगड़ा हो गई, मतलब चूंकि समरी का मतलब क्या हुआ, शॉर्टकट लिखना, ठीक है ना, तो भले ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि उन लोगों के बीच झगड़ा हुई, लेकिन क्यों झगड़ा हुई तो मैं आगे लिखा हूँ, ऐसा बात नहीं है, आप घबराओ नहीं, लेकिन देखिए झगड़ा हो जाती है और झगड़ा डायरेक्ट आते आते झगड़ा नहीं होती है, मतलब सुनती है कि अच्छा ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, तो ये आया है किस लिए, तो वो किस लिए आया है वो बात की बात है ना, मतलब वो बात की बात है, वो थोड़ा बहुत उसको आभास हो जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले तो इसका जो पुराना गुस्सा लोमो के साथ रहता है ना, वो उस गुस्सा को लेकर के झगड़ा होता है, तो क्या होता है ना कि उस वार्तालाप के बीच आ जाती है कौन, नतालिया, एंड ए क्वारल बिगिंस टू स्टार्ट बिटवीन लोमो एंड नतालिया, लोमो और नतालिया के बीच क्या हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है ओवर ए लैंड डिस्प्यूट, यानी जमीनी विवाद को लेकर के, ओवर ए लैंड डिस्प्यूट का मतलब होता है जमीनी विवाद को लेकर, ठीक है, एज सुन एज, जैसे ही द क्वारल बिगिन, द क्वारल बिटवीन, सुनिएगा, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, द क्वारल बिटवीन लोमो एंड नतालिया, देखिए क्वारल की जगह पर आप फाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा है ना, तो द फाइट या क्वारल बिटवीन लोमो एंड नतालिया इंक्रीज, जैसे ही नतालिया और लोमो के बीच मुहा ठुटी होते 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 फाइटा फाइटी झगड़ा झंझट पूरा जो है ना झोटा झोटी होना शुरू हो गया, तब तक कि हुआ ये, ठीक है ना, मैंने जैसे ही झगड़ा बढ़ा, एट द मीन टाइम, मैंने एकदम उसी समय में, अब उसके च्यूबको जो है, च्यूबको ऑलरेडी चाहता था कि मेरी बेटी का शादी लोमो से हो जाए, अब वो क्या करता है, एट द मीन टाइम उसी समय च्यूबको प्रिटेंड्स टू बी डाइड, वो मरने का नाटक कर किया, पता है च्यूबको प्रिटेंड्स टू बी डाइड, देखो प्रिटेंड्स टू का मतलब होता है का नाटक करना, के लिए नाटक करना, मैंने किस चीज़ के लिए नाटक करना, तो उसके आगे भर्ब आ जाता है, मैंने प्रिटेंड टू के बाद भर्ब आ जाता है, और इस प्रिटेंड के पहले अगर कोई ही सी या कोई व्यक्ति का नाम हो तो प्रिटेंड में एस जुड़ जाता है, तो च्यूबको प्रिटेंड्स टू बी डाइड, च्यूबको मरने का नाटक किया, एंड और फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और क्या है, जमीन पर गिर गया, ग्राउंड पर गिर गया, ठीक है ना, एंड ही अपील्स टू नतालिया, और वो नतालिया से क्या किया, अपील किया, रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया, ठीक है ना, टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, ठीक है ना, उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि देखिए होता क्या ना, अच्छा सोचिए कितना इंसान लकी होता है कि किसी लड़की को बड़ा दिल से चाहता है, सोचता है कि मेरी शादी अगर इस लड़की से हो जाए कितना खूबसूरत है, और उसका बाप भी अगर चाहता हो कि इसी लड़कों से मेरी बेटी की शादी हो जाए, और वो जा रहा हो और लड़की एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, मतलब मान के चलिए कि आपको भी पता है कि हम कहेंगे तो शादी वो नहीं करेगी, क्योंकि मैं भले ही पैसे वाला हूँ पूंजीपति वाला हूँ, अक्सर पैसे वाला और पूंजीपति वाला थोड़ा कहने का मतलब कि उतना खूबसूरत, बहुत कम ही रेयर केस में ही पूंजीपति वाला और उद्योगपति वाला और पैसे मतलब हर तरीके से सुखी और समृद्धि वाला और खूबसूरत वाला मिल जाएगा, बहुत रेयर केस में, लेकिन आप देखिएगा जो खूब पैसे वाला होता है ना उसका शक्ल सूरत तनी कमजोर होता है,
अब भाई मान लेते हैं कि लोमो नामक व्यक्ति हैं, अब वो सोच रहा था भाई हम काले कलौट हैं, पैसे वाले भले हैं, मजबूत हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन नतालिया खूबसूरत है यार, चुपको की लड़की है, मतलब कितना बढ़िया, चुपको मेरे बात को समझ जाता, तो चुपको तो समझ ही रहा था, मन ही मन वो सोच रहा था कि लोमो से शादी हो ही जाता, क्योंकि उनको क्या दिख रहा था कि मेरी बेटी जाकर के वहाँ पर सुख भोगेगी, है ना। अब हुआ ये कि झगड़ा झंझट हुआ, अब सोचिए कि जरा कितना हम लोग खुश नसीब होते हैं कि जिस लड़की को हम लोग सोच रहे होते हैं कि इस लड़की से शादी हो जाए, और उसका बाप भी चाहता हो कि मतलब मन ही मन कि मतलब वो मतलब इस लड़का से शादी हो जाए, और अंत में जब वो लड़की ना माने और वो मरने का नाटक करके और वो रिक्वेस्ट करके उससे शादी कर लो, नहीं तो हम मतलब हम अब हमारा अंतिम जो है ना सांस चल रहा है, तो लड़की क्या हुई भावनाओं में बह करके क्या कर लेती है, उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, और फिर अंत में क्या होता है वो भी देखना है। तो सुनिएगा, वो ग्राउंड पर गिर जाता है, ही अपील्स टू नतालिया, वो नतालिया से क्या करता है, सुनिएगा, नतालिया से वो क्या करता है, वो अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल टू मैरी हिम, यानी कि लोमो से शादी करने के लिए उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए नतालिया से उसके पिताजी क्या कहते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एट लास्ट अंत में नतालिया गिव्स अप, नतालिया इस चीज़ को छोड़ देती है, क्या चीज़, जो झगड़ा कर रही थी लोमो और नतालिया के बीच जो झगड़ा हो रहा था, नतालिया गिव्स अप उस झगड़ा को छोड़ देती है द फाइट, देख रहे ना आगे लिखा भी है, नतालिया गिव्स अप द फाइट या क्वायरल, नो प्रॉब्लम, कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो नतालिया अंत में क्या करती है, यानी एट लास्ट नतालिया गिव्स अप द फाइट या क्वायरल, झगड़ा को छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद एक्सेप्ट द, ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ हर डाइंग फादर, पता है मरते हुए पिता को देख कर भावनाओं में आकर के, स्पिरिट ऑफ हर डाइंग फादर, यानी कि पता है ये जो डाइंग फादर है ना, यानी मर रहे पिता है ना, उसकी भावनाओं के, स्पिरिट मतलब होता है भावना, मर रहे पिता की भावनाओं को समझकर उनकी भावनाओं के साथ ये एक्सेप्ट की क्या, मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना, झगड़ा को छोड़ करके, एंड एग्रीज टू मैरी विथ लोमो, और वो लोमो से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है, ठीक है ना। आफ्टर डेट, उसके बाद चुबको रिगैंस कॉन्सियसनेस, और पता है क्या होता है उसके पास, यानी तत्पश्चात, मैंने जैसे ही ये घटना होता है कि मैंने वो एक्सेप्ट कर लेती है मैरिज प्रपोजल को, एक्सेप्ट कर लेती है कौन, नतालिया लोमो के साथ शादी करने के लिए, जैसे ही मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करती है कि जो है ना ये नाटक किया था ना, मरा तो नहीं था और रियली में वो मरने के लिए नहीं जा रहा था, तो आफ्टर डेट तत्पश्चात चुबको रिगेंस कॉन्सियसनेस, वो क्या हो जाता है, होश में आ जाता है, रिगेंस कॉन्सियसनेस का मतलब होता है कि होश में आना, तो चुबको रिगेंस कॉन्सियसनेस, वो होश में आ जाता है, एंड बिकम हैप्पी, और खुश हो जाता है, हा? जो ये चाहता था वो भी हो गया, लोमो जो चाहता था वो भी हो गया, डैट खुश हो गया कि माई डॉटर इज गोइंग टू मैरी विद अ रिच बॉय, मेरी बेटी एक धनी मनी लड़का से शादी करने के लिए जा रही है, हु इज ऑल्सो माई फ्रेंड, जो कि वो लड़का मेरा ऑलरेडी पहले से दोस्त भी है। तो ज़रा सोचिए कि इस कहानी का क्या सारांश निकला, कि अगर बेट मान के चलिए कि कोई लड़का है, पूंजीपति है, मान के चलिए करोड़पति है, तो ठीक है लड़की माने ना माने, लेकिन उसके पिताजी जरूर मानेंगे, क्यों, क्योंकि उनको एक लालच है कि लड़का पैसा वाला है। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको लाइफ में जॉब नहीं मिला ना, आप बेरोजगारी में भले प्यार हो सकता है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद आपको प्यार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक एकदम खूबसूरत जितना बढ़िया चाहिए, ठीक है ना, नहीं होता ना, जो विच वन ऑफ द फ्लोइंग, जो टिक मारते मारते आप बहुत बड़े लेवल तक पहुँच गए, जो आप बहुत सारे मेहनत करने के बाद आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप विच वन ऑफ द फ्लोइंग मारते 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 और मेहनत करते करते एक बहुत अच्छे लेवल पर जब जाते हैं ना, वहीं विच वन ऑफ द फ्लोइंग का ऑप्शन आपकी लाइफ में भी आएगा, कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग, बताओ किस लड़की से शादी करना चाहेगा, पता है क्यों, क्योंकि जो आप विच वन ऑफ द फ्लोइंग पढ़ाई के साथ जो संघर्ष किए हैं ना, अब वो आपके पूरे लाइफ पार्टनर के साथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग आएगा, किस लड़कियों से शादी करना चाहता है, बता बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी अंदर की क्या मुरादें हैं, वो सब पूरा किया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो तुमने संघर्ष किया, ये संघर्ष इंसान को ना बहुत आगे तक लेकर के जाती है, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, इसलिए जो विच वन ऑफ द फ्लोइंग के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो ना, कल होकर के जब कामयाब हो जाओगे ना, तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है ना, गर्ल का ऑप्शन आएगा, और उसमें से आप क्या करोगे, उसमें से मारोगे कि हाँ मेरे को ये लड़की पसंद है, समझ रहे ना, तो इसलिए आप एक बहुत बड़े पैसे वाले बनने के लिए अभी से ही एकदम पूरा ताकत झोंक दो, एकदम चाहिए ही चाहिए, देखिए मुझे चाहिए तो नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए ही चाहिए तभी मिलेगा, मैं कई बार बोलता हूँ ना, मैं जो मोह माया की नगरी वाली जो वीडियो बनाया ना, उस वीडियो को देखिएगा, आप मेहनत इस कदर करो कि जब तकदीर का सिक्का उछालो तो हेड भी तुम्हारा और टेल भी तुम्हारा। तो पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, एट लास्ट अंत में लोमो एंड नतालिया गेट मैरिड पीसफुली, और अंत में होता क्या है ना कि लोमो और नतालिया
ठीक है ना, आपस में वो शांतिपूर्वक शादी कर लेते हैं। तो ये था ए मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर का बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट समरी, जो आई होप कि आपके दिमाग में पूरा फिट हो गया होगा। बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं पढ़ाने की कोशिश किया, बहुत मेहनत और मशक्कत से आपको समझाने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।